नेक्स्ट डिजीज़ फ्राम द इन्फेक्शस डिजीज़ इज़ डेंगी फ़ीवर सो सबसे पहले ये है कि मॉस्किटो कौन सा होता है इसमें डेंगी फीवर का दैट इज़ द एडिस इजिप्ट सो हेयर इज़ अ मॉस्किटो एडिस इजिप्ट आई विच कॉजेज़ द डेंगी फीवर और ये कौन से इलाकों में होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजनस जो हैं वहाँ पर और ज़्यादातर जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर इसकी फैमिली जो होती है उसका नाम होता है फ्लेवी रेडी नेक्स्ट ये है कि इसकी एंटीजेनिक टाइप्स होती हैं डेंगी वन डेंगी टू डेंगी थ्री डेंगी फोर एंटीजेनिक टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट इसकी होती हैं और जो है इनका एक रोल होता है वो हम देखते हैं देखिए होता क्या है कि जो भी मॉस्किटो होती है फीमेल मॉस्कीटो एडीजिप्ट आए वो जब एंटर होती है बॉडी में तो वहाँ पर डेंगी वायरस जब ट्रांसमिट करती है तो फिर वो नहीं एंटर होती फीमेल मॉस्किटो उसके अंदर से डेंगी वायरस आता है बॉडी में तो इनक्यूबेशन पीरियड होता है तीन से चौदह दिन का आपकी बुक पे जो लिखा हुआ है दैट इज़ वन टू सेवन डेज़ तो सात दिन का तकरीबन फिर क्या होता है अर्ली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं किस चीज़ के फीवर रैशेज़ नोज़िया जॉइंट एंड मस्कुलो स्केलेटल पेन एज अ होल क्या है कि हम पेशेंट से पूछेंगे बुखार जिसम दर्द जोरों में दर्द और साथ में रैशेज़ देखेंगे दैन जो फीवर है वो हमारा जो है वो पाँच से सात दिन तक लास्ट करता है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते डेंगी फ़ीवर को तो इट गोज़ इन टू ब्लड वेजल्स एंड लिम्फ नोड्स और ऑब्वियसली जब ब्लड वेजल्स में जाएगा तो दूसरे चीज़ें भी इफेक्ट होंगी विच लीड्स टू डेंगीमजिक फ़ीवर और अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो दैट विल लीड टू शॉक तो दैट इज़ डेंगू शॉक सिंड्रोम एंड दैट लीड्स टू डेथ तो इस तरह से अगर हम इसको अर्ली डायग्नोज कर लेंगे तो पेशेंट जो है वो शॉक में और डेंगीमोरेजिक जो उसका सिंड्रोम होता है फीवर होता है उसमें नहीं जाएगा हेमोरेजिक मतलब कि उसकी ब्लड वेजल्स जो हैं उनकी पमिलि पमबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और कि ब्लड जो है वो लीक करना शुरू हो गया प्लेटलेट्स इतने हद तक कम हो जाते हैं कि ब्लड जो है वो लीक करना शुरू हो जाता है डिफरेंट बॉडी साइट्स से और ऑब्वियसली जब ब्लड लीक होगा तो पेशेंट जो है उसका ब्लड लॉस होगा तो उसको फ्लोइड लॉस होगा तो अल्टीमेटली वो शॉक में जाएगा सिंपल सी हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सो डेंगी हेमोरेजिक फ़ीवर की सबसे पहले बात करते हैं कि इट इज़ अ लीथल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डेंगी फ़ीवर और इसमें होता क्या है एक सिंपल सी बात है कि आपको अभी बताया कि एंटीजेनिक टाइप्स होती हैं फोर अब जब एक एंटीजेनिक का इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी बना लेगी रिकवर कर लेगी लेकिन अगर किसी और सीरो टाइप का साथ ही इन्फेक्शन हो जाता है तो क्रॉस रिएक्शन होता है उसकी वजह से ज़्यादा मसला क्रिएट होगा तो रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय वन प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट सीरो टाइप लेकिन ओनली पार्शियल एंड ट्रांजिट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अदर थ्री तो दूसरे तीन के अगेंस्ट तो एंटी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती नहीं है तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से डेंगू हेमोलिक फीवर में मल्टीपल जो दूसरे तीन टाइप्स होते हैं वो अगर सिमल्टेनियसली इफेक्ट कर जाए तो फिर जो है क्योंकि उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी है नहीं और क्रॉस रेक्शन होगा उसकी वजह से परमेबिलिटी वो साइटो जो सारे रिलीज होते हैं उसकी वजह से केपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और हीमोस्टेसिस में अब आएंगी एंड अल्टीमेटली प्रोटीन लूजिंग शॉक सिंड्रोम में पेशेंट चला जाएगा तो इट विल लीड टू शॉक डेंगी शॉक सिंड्रोम तो ये हमारा होता है सेकेंडरी डेंगी इन्फेक्शन तो डेंगी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं लेकिन उसके अगेंस्ट तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ गई लेकिन डिफरेंट सीरो टाइप अगर आ जाती है तो फिर हमारी बॉडी जो है ना वो पागल हो जाती है एक किस्म की कि वो वहाँ पे साइटोकाइंस रिलीज करना माइक्रोफेजि वायरल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होगी एंड डिजीज प्रोग्रेसिज एंड दिस कॉम्प्लिकेशन अराइव अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है कि डेंगू वायरस जो है जैसे आपको नज़र आ रहा है फीमेल मॉस्किटो जो है वो आके काटेगी एक पर्सन को और फिर जो है फ़ीमेल मॉस्किटो टेक अप्स द डेंगू वायरस इन द इन्फेक्टेड ब्लड तो फिर वही जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसका जो डेंगू वायरस होगा वो बाक़ियों को जाके काटेगा तो वायरस ट्रांसमिशन गट इन्फेक्ट्स द सिलेवरी ग्लैंड इन फाइव फाइव टू तो सेवन डेज तो इसकी जो ट्रांसमिशन होती है ए, दिन के टाइम मच्छर काटता है ठीक है और इसकी जो आ, सोर्सेज होते हैं उनकी बात कर लें अगर हम तो रेन वाटर अगर किसी जगह पे जमा हो रहा है या टायर्स के अंदर पड़ा हुआ है तो ये सारी चीज़ें और फिर आ, फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन वो जब भी दिखाया और फिर क्या होता है जब एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को फ़ीड करेगा तो वहाँ पे उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा एट टू टेन डेज़ का और फिर वो दूसरे पर्सन को जाके इन्फेक्ट करेगा तो इस तरह से इसकी ट्रांसमिशन होती है बाय द ब्लड ऑफ़ द इन्फेक्टेड ह्यूम्स यहाँ पर ये जो पानी फजूल हम रख देते हैं इसकी वजह से प्रिवेंशन भी हम इसी तरह करेंगे ना कि ये जो हमारा वाटर स्टोरेज कंटेनर्स हैं ऑटोमोबाइल टायर्स हैं ट्री होल्स एंड लीफ एग्ज इनके अंदर जो हमने पानी रखा होता है फजूल किस्म का पड़ा रहता है उसको हमने रिमूव करना है वेस्ट डिस्पोजल अच्छी तरह करना है वाटर स्टोरेज प्रैक्टिस करनी है इंसेकटिसाइड्स यूज़ करने हैं और डेंगी फ इसको ना खाने के लिए जो हैं कुछ होते हैं मॉस्किटो ईटिंग फिश एंड कॉपी पोड्स वो हम लख रख देते हैं या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और नेट्स यूज़ करते हैं इस तरह से इसकी हम प्रिवेंशन भी साथ ही डिस्कस कर लीजिए ट्रांसमिट हो रहा है तो प्रिवेंट भी कर तो इस तरह से जो मरीज़ होता है इन्फेक्टेड पर्सन उस वजह से हम इसको जो है वो एक मतलब उसको हम जो है वो कवर करके रखते हैं ताकि उसके ऊपर जो मच्छर है वो अगर जार है जा रही है तो जाके जो है दूसरे को इफ़ेक्ट ना करे क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं इसमें स्वियर फ्लू लाइक इलनेस होता है और इनक्यूबेशन पीरियड गुजारने के बाद सबसे पहले जो है वो इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में जो है वो एक तो नॉन स्पेसिफिक फेब्राइल इलनेस होती है विद रैश और जो ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है हाई फीवर हो जाता है स्वियर हेड होती है पेन बिहाइंड द आइज़ होती है रेट्रो ऑर्बिटल पेन जिसको कहते हैं मसल एंड जॉइंट पेंस होते हैं और इसके अलावा रैश होती है तो फीवर रैश हेड एक मसल एंड ज्वाइंट पेंस और, और पेन बिहाइंड द आईस फिर जो डेंगीमेजिक फ़ीवर होता है उसमें हाई फीवर के साथ साथ जो है क्या होता है हेमोरेजिक फिनोमिना भी होता है जिसमें सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है लिवर की इन्लार्जमेंट हो जाती है सडन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर हो जाता है फेशियल फ्लैशिंग हो जाती है फेशियल फ्लैशिंग हो जाती है और फिर जो है फिब्राइल ब्राइल आना शुरू हो जाती हैं और फिर क्या होता है कि जब ये सारी मतलब डिफरेंट जगहों से जो है जब ब्लड लॉस होगा हेमोरेजिकमोरेज स्टार्ट हो जाएगा हेमरेज तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो सर्कुलेटरी फेलियर में चला जाएगा टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा जब टेम्परेचर ड्रॉप करेगा शॉक के साइंस आना शुरू हो जाएंगे जब पेशेंट शॉक में जा रहा होगा तो सर्कुलेटरी फेलियर और फिर शॉक शॉक की सारी पल्स जो है वो मतलब हाई हो जाएगी और ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाएगा पल्स हाई हो जाएगी और टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा तो वो सारे शॉक की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाएंगी तो ये भी देख लें कि किस तरह से स्प्रेड कर रहा है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में और ये बेसिक uh, सिम्टम्स क्या हैं स्किन सिम्टम्स क्या हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं वस्कुलर सिम्टम्स क्या हैं वास्कुलर सिम्टम्स दूसरे क्या हैं और अदर कॉम्प्लिकेशंस ये सारे सिम्टम्स बताए हुए इसमें ये इस तरह से पीटिक बनते हैं हेमरेज में इसमें एक टॉर्निकल टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि हम ना बीपी टस यूज़ करते हैं सिस्टलिक को जो डायस्टलिक ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का वो सबसे पहले मैयर कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों के दरमियान में हम ना कफ को इन्फ्लेट करके रखते हैं मतलब प्रेशर देते रखते हैं बाजू के ऊपर पाँच मिनट के लिए और फिर हम जो है पिटेकिए नोट करते हैं जो बन रहे होते हैं वहाँ पर तकरीबन टू सेंटीमीटर टू टू थ्री सेंटीमीटर बिलो द मिड क्यूबिटल फोसा वहाँ पर हम जो है वो देखेंगे तो अगर ट्वेंटी से ज़्यादा पिटिकिया हमें मिल जाते हैं तो दैट इज़ डायग्नोस्टिक के यहाँ पे कैपेलिटी फ्रेजिलिटी बहुत ज़्यादा है और इन केस ऑफ डेंगी फ़ीवर तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हमने क्लिनिकल फ़ीचर्स भी इसके डिस्कस कर लिए यही थे ना सारे तो ये आपकी डेविडसन के भी है इनक्यूबेशन पीरियड सेवन डेज और प्रोड्रोम सिम्टम्स मलेज हेड एक्यूट ऑन सेट फीवर बैक एर्थ्रेलजियाज हेड एक जनरलाइज्ड पेन जिसको हम ब्रेक बोन फीवर कहते हैं जिसमें बोन्स इतनी दर्द करी होती हैं जैसे अभी टूट जाएंगी पेन ऑन आई मूवमेंट्स ड्यू टू रेट्रो ऑर्बिटल पेन और लक्रेमेशन स्क्लेरल इंजेक्शन एनोरेक्सिया नॉजिया वामिटिंग फ्रेंजाइटिस अपर रेस्परेटी ट्रैक्ट सिम्टम्स रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया प्रोस्ट्रेशन जो मैंने आपको पहले भी बताया था मलेरिया के, के केस में क्या होता है डिप्रेशन हाइपर डिस्क्यूसिया लिफडिनोपैथी रैश जो होगी वो हमारी जो है वो पहले मैक मैकुलर होगी फिर मैकुलोपेपुलर हो जाएगी ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कॉन्वेलेसेंस स्टेज भी देख लें और ये कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है कि डेंगीमोरजिक फीवर डीआईसी हो सकती है डेंगी शॉक सिंड्रोम होगी हेपेटाइटिस होगा सेरिब्रल हेमरेज हो जाएगा या एडेमा और इनकेफेलाइटिस हो जाएगा क्रेनियल नर्व पालसिस रेबडोमाइलोसिस एंड माओकाडाइटिस वर्टिकल ट्रांसमिशन इफ़ इन्फेक्शन विद इन फाइव वीक्स ऑफ डिलीवरी तो ये मदर से बेबी में भी जा सकता है स्वियर डेंगी में क्या होगा स्वियर प्लाज्मा लीकेज लीडिंग टू शॉक डेंगी शॉक सिंड्रोम फ्लूड इक्यूमलेशन हो जाएगी विच विद द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑब्वियसली फ्लूड बाहर आ रहा है स्वियर हैमरेज मैनिफेस्टेशन जी आई टी हेमरेज स्वियर ऑर्गेन इन्वॉलमेंट में लिवर के इन्जाइम्स एलिवेट हो जाएंगे सी एन एस में कॉन्शियसनेस चली जाएगी और जो है कार्डियोमायोपैथी अदर ऑर्गेंस में रीनल इन्वॉलमेंट होगी एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट और आई में ट्रीट करेंगे डायग्नोसिस इसका कैसे करेंगे सबसे पहले हम इनिशियल टेस्ट क्या करवाते हैं सी करवाते हैं ई और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स किसी भी इन्फेक्शन के लिए और पी सी आर ओलाइजा करेंगे और एंटीबॉडी टाइटर्स करवाएंगे पी सी आर में उसका डी एन ए देख लेंगे एलाइजा में उसकी एंटीबॉडीज देख लेंगे और एंटीबॉडी टाइटर्स अगर फोर फोल्ड इंक्रीज करती हैं तो दैट इज़ डायग्नोस्टिक देन हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं टू चेक द प्लूरल इन्फ्यूएंस जैसे कि हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को डिटेक्ट करना है अगर पेशेंट उसके साथ है अल्ट्रासाउंड करवाएंगे किसकी सिरोजल ऑफ द थॉरक्स एंड एबडामिन फिर इसमें होता है कि क्राइटेरिया होता है ना जिसमें हम इसको फिट करते हैं तो थोड़ा सा देख लेंगे जब हम सी बी सी करवाएँगे तो उसमें हमें हिमाटोक्रेट कितना मिलेगा इंक्रीज़ मिलेगा कि पिलरी लीक की वजह से यही होगा ना कि सारा फ्लोइड लॉस हो जाएगा तो अंदर आर बी सी मैस जो है वो एक किस्म का कंसनट्रेटेड हो जाएगा ना तो हिमाटोक्रेड जो है वो ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज़ कर जाएगा अगर हम थ्रोम्बोसाइटो पी प्लेटलेट्स को देखें तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मिलेगा सी बी सी में इसी तरह अगर हम ब्लीडिंग टाइम करवाते हैं तो वो हमें प्रोलॉन्ग्ड मिलेगा प्रोथ्रोम्बिन का लेवल जो है वो हमें जो है वो डिक्रीज मिलेगा क्योंकि लिवर जो है वो उसकी इन्वॉलमेंट हो गई है फाइब्रोनोजिन लेवल्स जो हैं वो भी हमें सब नॉर्मल मिल सकते हैं और फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें एलिवेटेड मिलेंगे क्योंकि डी के केस में हमें मिल सकते हैं तो ये ये मतलब हीमो कंसनट्रेशन की वजह से जो अब नॉर्मिलिटीज़ आती हैं हिमाटोक्रेट के साथ क्या होता है प्लेट्रेट्स के साथ क्या होता है ब्लीडिंग टाइम के साथ क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम के साथ क्या होता है लेवल के साथ और फाइब्रीनोजिन लेवल और फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स के साथ फिर डब्ल्यू एच ओ क्राइटेरिया आप देख लें कि हमें डेंगू फीवर में क्या मिलेगा फीवर मिलेगा टू टू सेवन डेज इन ड्यूरेशन मिलेगा ठीक है देन हेमोरजिक मैनिफेस्टेशंस मिलेंगी जो कि मैंने आपको बताई हैं कि वो जो हेमोरैजिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं माइनर एंड मेजर ठीक है ब्लीडिंग देन आपको जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलेगा हंड्रेड थाउजेंड जो है उससे कम मिलेंगे प्लेटलेट्स फिर आपको एलिवेटेड हिमाटोक्रिट मिलेगा कितना ट्वेंटी परसेंट से ज़्यादा तो ये हमें मिलेगा इसके साथ साथ हमें क्या मिल सकता है कैपेलरी पमेबिलिटी इंक्रीज मतलब उसका कोई भी एविडेंस लाइक प्लोरल एस आइटिस बाई चेस्ट रेडियोग्राफी में पता चल जाएगा या चेस्ट uh, रेडियोग्राफी से प्लेफ्यून का और अल्ट्रासाउंड से साइटिस का पता चल जाएगा हाइपो एल्बीन एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा तो उसका भी पता चल जाएगा कि कैपिलरी पमेबिलिटी कम हुई हुई है तो कोई भी एविडेंस होना चाहिए इंक्रीज्ड कपिलडी पमेबिलिटी का तो दिस इज़ अ क्राइटेरिया जिसमें हम फीवर देख के हैं हेमोराजिक मैनिफेस्टेश प्लेटलेट्स सी बी करवा के देखते हैं और हम जो है वो कपिलडी पोमेबिलिटी की मैनीफेस्टेशन देखते हैं मेटोक्रेट का लेवल देखते हैं देन आपके पास आता है डेंगी शॉक सिंड्रोम का क्राइटेरिया डेंगी शॉक सिंड्रोम में क्या है आपको डेंगी हेमोरजिक फ़ीवर के क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए जो ऊपर हमने देखे हैं अलॉन्ग विद शॉक की सिम्टम्स होने चाहिए लाइक हाइपोटेंशन like, और जो है वो टेक्ी कार्डिया प्रेशर नैरो हुआ होगा ट्वेंटी मिलीग्राम मिलीमीटर मरकरी मर्करी से कम ठीक है मतलब सिस्टलिक और डायस्टलिक का जो हम रेशो निकालते हैं ना मतलब माइनस करके वो आपको कम मिलेगा साइंस ऑफ पोअर परफ्यूजन होंगे लाइक कोल्ड आपको पता है सर्द हो जाता है जो शॉक में जा रहा होता है तो ये है हाइपोटेंशन टेकी कार्डिया नेरो प्रेशर और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ एंड डेंगी हेमोरजिक फीवर के साइंस so, तो दिस इज दिस क्राइटेरिया फुलफिल्स द डेंगी शॉक सिंड्रोम तो ये आपको आना चाहिए देन डेंगी फ़ीवर स्वियर अगर हो जाए तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि डेंगी हेमोरेजिक फीवर होना चाहिए और डेंगी शॉक सिंड्रोम दोनों चीज़ें फिर इसके साथ साथ दो और मसले होने चाहिए एक ये कि ब्रेन की इन्वॉलमेंट और एक ये कि रेस्परेटी डिस्ट्रेस ब्रेन की इन्वालमेंट में आपको फेलाइटिस या फेलोपैथी मिलेगी और पंद्रह एडेमा मिलेगा इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसके डी क्या हो सकते हैं लाइक like, इन्फेक्शन uh, है ना तो आपको लगेगा कि uh, ये जो है ना मलेरिया है क्योंकि इसमें भी लिवर की इन्वॉलमेंट फ़ीवर एक्ट्रा है और आप येलो फीवर कंसिडर कर सकते हैं हेपाटाइटिस को कंसिडर कर सकते हैं अगर लिवर के साइंस आ रहे हैं आपको मेनली नज़र आ रहे हैं लेप्टोस्पायरोसिस इसके अलावा आप डेंगू लाइक एल्सिस लाइक वायरल रेस्परेटरी इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज़ क्योंकि फ़्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं ना मैंने आपको बताया था इसमें शुरू में तो आप कंसिडर कर सकते हैं इसको रेस्परेट्री इन्फ्लुएंजा लाइक इल्सेज हैं देन इसकी मैनेजमेंट आ जाती है मैनेजमेंट में इसकी सपोर्टिव केयर होती है और बेड रेस्ट होती है इसके साथ साथ फीवर को कम करने के लिए क्या देंगे एंटीपायोटिटिक्स अगर उसको दर्द वगैरह है जैसे रेट्रो ऑर्बिटल पेन हेड है मसल एंड जॉइट पेन हैं तो एनर्जेसिक्स अब आप कंसिडर करते हो यार किसी को मसल एंड ज्वाइंट पेनज हैं तो पकड़ के एसपरन दे दो नहीं देना क्यों क्योंकि एसपरिन जो है वो क्या करवाएगी ऑलरेडी प्लेटलेट्स कम है और एसपरन देंगे तो प्लेटलेट्स मज़ीद कम होंगे एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है एसपरन का तो एस्परिन नहीं देना एनर्जेजिक्स देने हैं या माइल्ड सिटेशन कर देनी है ताकि वो कंट्रोल कर दे पेन एसपरन के अलावा देनी है दवाइयाँ देन आप क्या करेंगे जो फ्लूड लॉस हुआ हुआ है तो उसको रिप्लेस करेंगे फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे फिर आपका आता है तो ये सब कुछ सपोर्टिव बेड रेस्ट एंटीबायोटिक्स एंड एन एलजेजिक्स फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट्स फिर जो डेंगीमरेजिक फीवर और डेंगी शॉक सिंड्रोम की है दैट इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी तो मेडिकल एमरजेंसी में क्या करते हैं वही करते हैं ना डिसटेशन विद मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्परेशन इफ़ रिक्वायर्ड एडिक्वेट न्यूट्रिशन हाइड्रेशन आई वी फ्लोइड्स देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करेंगे वाइटल मोनिटरिंग करेंगे और जो है फॉलिस कैथेटर पास करेंगे और उसकी जो ऑक्सीजन देंगे उसको ठीक है तो आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है इमीजिएट एवेलुएशन ऑफ वाइटल साइंस एंड डिग्रीज ऑफ हमो कंसनट्रेशन डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फिर उसको मेंटेन करेंगे वाइटल मॉनिटरिंग करके उसको मेंटेन करेंगे ऑक्सीजन देंगे आईवी रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे तो इसके अलावा ट्रांसफींस देंगे ऑफ द फ्लड फ्रेश ब्लड और प्लेटलेट्स टू कंट्रोल द ब्लीडिंग और इसके अलावा डी जो है उस, वो अगर है तो उसको ट्रीट करेंगे तो ये हमारी फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी हाइपर वोलीमिया हो सकता है ऊपर हमने देखा कि हाइपर वोलीमिया हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट्स दे दें दैन फ्लोइड इलेक्ट्रोलाइट लॉसेज हो सकते हैं हाइपर फिब्राइल फ्राइल कन्वर्जनस हो सकती हैं एपिस्टेक्सिस पिटेकियन पर्परिक लीन्स बन सकती हैं प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है लेकिन ज़्यादातर डेथ्स जो हैं वो ओवर हाइड्रेशन की वजह से होती हैं तो हमने सही तरह से बैलेंस करके फ्लूड्स देने होते हैं प्रिवेंशन हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसके पास्ट पेपर्स डिस्कस कर लेते हैं